फिल्म से ज़्यादा जुड़ी हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ किए हैं लखनऊ जंक्शन, पवन सिंह के साथ भी कर चुकी हूँ। अच्छा, पवन सिंह जी और अमिताभ बच्चन जी के साथ भी आपने शूटिंग कर? अरे यार, काहे रो रहे हैं, आप हमारे भाई हो भाई, और बहुत अच्छा लगा देखिए। अच्छा, ये आप बहुत ज़्यादा इनको चाहते हैं? उनकी फ्रेंड फॉलोइंग? नहीं नहीं नहीं, मैं भोजपुरी मूवी में काम करती हूँ पवन सिंह के साथ। एक मूवी है लाखन सिंह। लाखन सिंह? हाँ। अच्छा, न्यू है, अभी पवन सिंह की मूवी है उनके साथ। कौन सा रोल रहा है उसमें? हमको नेपाल के हैं पर रहते हैं इधर। नेपाल? अरे, विदेश से चल के आ गए हैं वो भाई। हम तो समझ रहे थे कि सिर्फ परदेश से ही लोग आए हुए हैं, ये तो विदेश से आए हैं, नेपाल बता रहे कि बॉर्डर पार से आई हैं। तो जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूँ कुमार बबलू। तो साथियों, अभी देख रहे हैं हमारी उपस्थिति गोरखपुर चार पानी में है, और आप हमारे पीछे जो मजमा देख पा रहे हैं, ये मजमा इसलिए लगा है क्योंकि गोरखपुरिया भौजी ने कुछ दिन पहले ये आह्वान किया था कि 24 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक पूरे प्रदेश के जितने भी यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, वे सभी यहां पर आए, और जो नए क्रिएटर हैं वे भी यहां आकर के उनकी हेल्प ले सकते हैं, और वे सभी का सपोर्ट कर रही हैं। गोरखपुरिया भौजी कैसे यूट्यूबरों का सपोर्ट कर रही हैं, और इसके विषय में भी हम जानेंगे, और यहां पे कहां कहां से लोग आए हुए हैं और उसके विषय में भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, नवरात्रि का सीजन चल रहा है और सभी लोग माँ दुर्गा की पूजा अर्चना में व्यस्त हैं, और ऐसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा भी रखी गई है, और आप देख पा रहे हैं कि तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं। उनसे थोड़ा हम बातचीत करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, इनका YouTube पे आने का पर्पज क्या है, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्या नाम होगा आप लोगों का? सर, मेरा नाम सीमा है। और सीमा जी कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं जी। आप यहाँ किस पर्पज से आई हैं? यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी आई हैं, मतलब हम लोग देखे हैं तो हम सुने हैं तो फिर यहाँ पे आए हैं। अच्छा, तो हम लोग भी बनाते हैं ब्लॉगिंग, मतलब शुरू करना चाहते हैं सीमा रानी ब्लॉग्स 8874 पर। आप लोग हमको भी सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और एक किस टाइप का वीडियो बनाती है? किस टाइप का वीडियो बनाती है? मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, घरेलू वीडियो बनाती हूँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाती हूँ। आप लोग देखिए और हमको सपोर्ट करिए और प्यार आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, तो ये यहाँ पे आई हैं, कैसे पता चला इस कार्यक्रम के बारे में? सर, मैं जैसे देखती हूँ वीडियो मोबाइल पर, इनको गोरखपुरिया भौजी की फैन हूँ, मैं इनका वीडियो बराबर देखती हूँ। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी के फैन हैं आप जी? उन्हें तो कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी का जो फैन फॉलोइंग है वो काफी ज्यादा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? उन्हीं को देख के हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं की तरह हम लोग को भी सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। और यही, चलिए ठीक है। आप क्या करती हैं? ये हमारी फ्रेंड है, इसके साथ में हम आए हैं। अच्छा, आप आए हैं इनके साथ में? हमें आपका भी कोई चैनल है? नहीं, चैनल नहीं है अभी। अच्छा, मतलब आगे चल के बनाने का इरादा है? हाँ, इरादा है हमारा भी आगे बनाने का। क्या बनाने का इरादा कुछ सोची है? हम तो पार्लर करते हैं, पार्लर का इसी पे डालेंगे यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ नया करने वाली है? हम कुछ नया करेंगे। तो यहाँ पे आकर के क्या आपको हेल्प मिला है? हेल्प यही मिला यूट्यूब में आगे बढ़ने का, चैनल का, कुछ नया करिए, कुछ आगे बढ़िए, सबको यही सहायता मिला है। हम भी गोरखपुरिया भाभी के फैन हैं। आप देख पा रहे हैं कि तमाम जगहों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि उनको किस प्रकार से सहयोग यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी और उनकी टीम के द्वारा मिल पा रहा है। और भी लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, थोड़ा सा और भी लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। आप लोगों का यूट्यूब चैनल है? हाँ। क्या यूट्यूब चैनल क्या किस टाइप का है? इधर से आइए, इधर से। वही शॉर्ट वीडियो डालते हैं और ब्लॉग वीडियो डालते हैं। अच्छा, वीडियो डालती हैं? हाँ। किस टाइप का वीडियो? वही काम हम जो करते हैं, खाना वाना बनाते हैं। अच्छा, मार झगड़ा सब? नहीं, मार झगड़ा नहीं, जैसा कि झगड़ा वगैरह लोग करते हैं वो सब वाला वीडियो नहीं बनाते हैं। सास ससुर है? हाँ, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, डांस का। शॉर्ट वीडियो बनाती हैं। और कितने फॉलोअर हैं आपके? 17,000 कुछ, 17,000। कब से आप ब्लॉगिंग कर रही हैं? वही लगभग साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो ये बताइए, यहाँ पे किस पर्पज से आई हैं? वही चैनल को प्रमोशन करवाने के लिए। मोनेटाइज नहीं हुआ? 17,000 फॉलोअर हैं? नहीं, व्यूज। अरे बताइए, इनके 17,000 फॉलोअर हैं और अभी तक चैनल, तो मतलब टेक्निकल इनके टीम से बात किया आपने? अभी बात नहीं हुआ, अभी देखेंगे। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग?
हम तो नेपाल के हैं पर रहते हैं इधर ही है। नेपाल? अरे बाप रे, विदेश से चल के आ गए हैं वो भाई। हम तो समझ रहे थे कि सिर्फ प्रदेश से ही लोग आए हुए हैं, ये तो विदेश से आए हैं, नेपाल बता रहे कि बॉर्डर पार से आए हैं। तो आकर के यहाँ पे कैसा लग रहा है भारत में? बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं लव मैरिज शादी होती नहीं? नहीं, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज मम्मी पापा ने कराया है। अच्छा, मम्मी पापा कराए हैं। तो आप हिंदुस्तान से हैं? हाँ, हिंदुस्तान से हैं। तो कैसे नेपाल में चलेंगे भैया? जैसे हमारा मामा घर है, इनका मामा घर एक ही पास है, तो मम्मी, इनकी मम्मी और हमारी मम्मी बात की, तो शादी हुआ हम लोगों का। तो चलिए ठीक है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ पे क्या कुछ हेल्प मिल पाया आप लोगों को? हेल्प क्या मिला है कुछ? अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी आए हैं इसीलिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि सिर्फ प्रदेश भर से बस लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पर विदेश से भी आए हैं, यानी नेपाल से आए हैं। क्या नाम होगा आपका? मीना सिंह। मीना जी कहाँ से हैं? गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर। गोरखपुर से ही हैं। तो किस टाइप का चैनल है आपका? मेरे चैनल अभी नया नया की है, लेकिन ज़्यादा फिल्म से ही मैं जुड़ी हूँ। अच्छा, फिल्म से ज़्यादा जुड़ी हूँ। हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ किए हैं लखनऊ जंक्शन, पवन सिंह के साथ भी कर चुकी हूँ। अच्छा, पवन सिंह जी और अमिताभ बच्चन जी के साथ भी आपने शूटिंग कर लिया? जी जी जी। अच्छा, कौन सा रोल रहा है आपका? रवि किशन के साथ किए हैं हमसे केहू जीत न पाई। अच्छा, मूवी में? हाँ, उनकी माँ का भूमिका निभाई है। अच्छा, उसमें उनकी माँ का भूमिका निभाई है। जी, जी, जी। अरे भाई साहब, यहाँ तो सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं, बड़े पर्दे के कलाकार भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या कुछ सीखने को आपको यहाँ से मिला? ये तो छोटा मंच आपके लिए होगा भाई। छोटे ही से तो कोई बड़ा बनता है, लेकिन मैं बन चुकी हूँ। मैंने सोचा कि बैठे हैं तो थोड़ा वक्त निकलता है, तो चलो इस पर भी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो छोटे यूट्यूबर हैं उनको कुछ सीखना चाहिए आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगी? यही सोचती कि छोटा हो या बड़ा हो, जैसी जिसका कला हो उसी हिसाब से उनको लाइव किया जाए। चलिए, है कि नहीं? जी 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 जी, हमसे जुड़ने। हाँ हाँ, बताइए। और मेरा भी लाइव करते रहिएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट करते रहिए सभी लोगों को। और भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, आ जाइए इधर, आइए इधर। क्या नाम है आपका? नारायणी मौर्य। कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से ही हैं। कैसे कार्यक्रम के बारे में पता चला? अरे एक लोग थे वही बताए, एक लोग थे वही बताए। अच्छा, तो क्या कुछ मतलब किस पर्पज से यहाँ पे आई हैं? वैसे ही देखने के लिए, मिलने देखने के लिए बस आए हैं। किससे मिलने आए हैं भाई? यही जो भोजपुरी भौजी हैं। गोरखपुरिया भौजी से? हाँ। उनकी फ्रेंड फॉलोइंग? नहीं नहीं नहीं, मैं भोजपुरी मूवी में काम करती हूँ पवन सिंह के साथ। एक मूवी है लाखन सिंह। लाखन सिंह? हाँ। अच्छा, न्यू है अभी, पवन सिंह की मूवी है उनके साथ। कौन सा रोल रहा है उसमें आपका? उसमें मैं स्टूडेंट का रोल की हूँ और हीरोइन की बहन का। अच्छा, और हीरोइन का फ्रेंड का। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे लगा कि सिर्फ यूट्यूबर ही आए हैं, बड़े पर्दे के कलाकार भी यहाँ पर उतरे हुए हैं। और लोगों जो आए हैं उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रिंकू गोरखपुरी। रिंकी कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से ही हैं। यहाँ के कार्यक्रम के विषय में कैसे पता चला आपको? नंबर पड़ा था यूट्यूब पे गोरखपुरिया भाजी का, तो हम कॉल किए हैं तब आ गए यहाँ पे, गोरखपुरिया भाजी से मिलने के लिए आए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जैसे यूट्यूबरों को बुला करके उनको मोटिवेट करना। हाँ। तो क्या कुछ सीखने को मिला है आपको? हमको बहुत कुछ मिला, गोरखपुरिया भौजी से मिलके बहुत खुशी मिली है हमको। चलिए, गोरखपुरिया भौजी से मिलके काफी लोग खुश हैं, और तमाम जगहों से यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर जो है आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि वे सभी कहाँ से आए हैं और क्या कुछ अपना एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? रेनू अग्रवाल। रेनू कहाँ से हैं आप? हाँ, कहाँ से हैं आप? बात किए हैं अभी? हम लोग भौजी से मिलने आए थे। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी से मिलने आई थी? हाँ, नहीं, अपना भी मोबाइल का वो करवाने आए थे ताकि हम लोग का भी हो जाए, हो भी जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और भी लोग हैं, देख पा रहे हैं कि अंदर इतना मजमा लगा हुआ है कि मतलब बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। अब मैं चाहूँगा कि जो कैमरामैन सहयोगी है वो दिखाए कि कितने दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि एकदम पूरा मजमा लगा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे मजमा लगा हुआ है और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। भाई साहब, थोड़ा सा दो मिनट, महादेव जी कैसे हैं?
बहुत अच्छे हैं। और ये कि गोरखपुरिया भौजी के पति हैं जो आए हुए हैं, इनसे थोड़ा टैटू बनवाए हुए हैं। अच्छा। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टैटू बनवाए हैं जो कि बहुत अच्छा लगा है। आपके तो बहुत बड़े फ्रेंड लग रहे हैं भाई साहब। बहुत अच्छा लगा। अरे यार काहे रो रहे हैं, आप हमारे भाई हो भाई। और बहुत अच्छा लगा देखिए टैटू। अच्छा ये आप बहुत ज़्यादा इनको चाहते हैं? राम जैसे मानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी महादेव हैं और उनका तस्वीर है अपने हाथों पे बनवाए हुए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राजकुमार है। कहाँ से आए हैं? कुशीनगर से हैं। कुशीनगर से आए हुए हैं जी। तो काफी दीवाने लग रहे हैं इनके महादेव राम जैसे मानते हैं। क्या कुछ दिखा इनके अंदर जिसकी वजह से आप मानते हैं? अच्छाई। क्या अच्छाई दिखा? गरीबों के लिए हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा क्या आपके लिए भी कोई हेल्प वगैरह किए हैं? हाँ करेंगे ऐसे को हेल्प करेंगे। विश्वास है। चलिए विश्वास बनाए रखिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने आह्वान किया था लगातार, मैं देख रहा था YouTube पे आपका वीडियो। गोरखपुरिया भाभी भी लगातार लोगों से आह्वान कर रही थी कि यहाँ पे आना है 20 तारीख से 24 तारीख तक। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, लोग हमको प्यार दुलार देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इतना यही प्यार दुलार हमको बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तो ये हमारे भाई ऐसे ऐसे फैन पड़े हुए हैं, हमें कभी विश्वास ही नहीं था कि कोई हमारे नाम से भी टैटू बनवा लेगा। अभी इनके सारी को सुने थे, पवन सिंह को सुने थे, आज हम भी बना लिए तो बहुत अच्छा कैसा लग रहा भैया? आपका एक ऐसा फ्रेंड आया हुआ है, ऐसा दर्शक आया हुआ है कि अपने हाथ पे ये आपकी तस्वीर बनाया हुआ। हम थोड़ा सा गुदवाए थे, बहुत दर्द हुआ था, बाद में पक जाता है ये। इतना ज़्यादा गुदवाए होंगे कितना दर्द हुआ होगा, सोच के ही अंदर से दिल एकदम घबरा जा रहा है। बहुत दर्द हुआ होगा मुझे मालूम है। और बहुत अच्छा लगा। हाँ दो मिनट बहुत अच्छा लगा ये देख रहे हैं, इतना खतरनाक टैटू है। फोटो लीजिएगा इसका, फोटो लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम चाहेंगे जो हमारे कैमरामैन सहयोगी है दिखाएं, ये देख पा रहे हैं कि ये महादेव जी का तस्वीर है अपने हाथों पे बनवाए हुए हैं और ये हम कुशीनगर से ऐसा कि बता रहे हैं कि ये आए हैं। तो भाई साहब ये कब आपका जो प्यार है कब उजागर हुआ इनके प्रति? जब से यूट्यूब आए तब से। अच्छा आप यूट्यूब चैनल है आपका? हाँ। क्या करते हैं? शॉर्ट वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं। अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं जी। अच्छा तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं। चलिए महादेव जी अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए भाभी जी, इधर आइए। आप देखते हैं आप लोग का क्या क्या क्रिएशन है। कहाँ से आई हैं? चोरी चौरा से आई हुई हैं। यूट्यूब चैनल है आपका? हाँ। कौन सा यूट्यूब चैनल है? सोनम देवी 91.15। क्या नाम है? सोनम देवी 91.15। अच्छा क्या करती हैं? वीडियो बनाती हूँ। वीडियो किस टाइप का बनाती हैं? किस टाइप का वीडियो बनाती हैं? डांस वगैरह करती हैं कि थोड़ा बहुत? अच्छा थोड़ा बहुत डांस करती हैं। कितने फॉलोअर हैं आपके? 1300। अच्छा चलिए धीरे धीरे आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए और मिलियन में भी आपके सब्सक्राइबर होंगे। कहाँ से आई हैं? मैं गोरखपुर से आई हूँ, सूरजकुंड से आए हैं। क्या किस टाइप का वीडियो बनाती हैं? मैं डांस करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, घर का खाना वाना यही सब डालती हूँ, नाच के भी वीडियो बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ मैं। अच्छा चलिए आप सभी दर्शकों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर इन लोगों का वीडियो आपको देखना हो तो इनके चैनल पर जाइएगा और इनका वीडियो अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए और मैं ऐसे ही जो लेटेस्ट खबर है वो दिखाता रहूँगा। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे ये मंदिर है, इस मंदिर की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है भीड़ लगी हुई है। मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मुरादें आप मांगेंगे वे पूरी हो जाएंगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में, जो यूट्यूबर है उनको आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया गया है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।